आप किसी भी काम को करो, बड़े लेवल पर चले गए, बड़े पोस्ट पर चले गए, बड़े पिन पर चले गए, बड़ी इनकम पर चले गए, बड़ी गाड़ी पर चले गए, बड़े घर पर चले गए, तो आपको अहंकार नहीं रखना है। दोस्तों नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज आपको 7 ऐसे पॉइंट बताने वाला हूँ, 7 ऐसे रूल नियम बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फील्ड के बापू बन सकते हैं। आप जिस भी फील्ड में हैं उसमें आप टॉप 1 पर आ सकते हैं अगर आपने 7 स्किल सही तरीके से अपने अंदर डेवलप कर ली तो। ये 7 स्किल जो मैं बताने जा रहा हूँ ये बहुत कम लोगों में पाई जाती है। कारण ये होता है कि कुछ इसमें से होती हैं स्किल, कुछ नहीं होती हैं। कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, कुछ नहीं होती है। तो 7 कौन सी स्किल है, ये कौन से 7 रूल है या नियम है या उद्देश्य मान लीजिए, जो भी आप अपने हिसाब से समझ सकें, ये अगर किसी भी व्यक्ति में आ जाए तो वो व्यक्ति आम नहीं खास हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हजारों लोगों में कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका मान सम्मान और पहचान ज़्यादा हो जाता है, हजारों में कोई एक ऐसा पाया जाता है। ये 7 चीज़ जो बताने जा रहा हूँ, 7 में से अगर आपने इन 7 को फॉलो कर लिया, 7 को अपने अंदर उतार लिया, अपना लिया, तो आप भी एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, अपने फील्ड के बहुत बढ़िया लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, खास करके अगर नेटवर्क मार्केटिंग में हैं आप तो आप ज़्यादा बढ़िया काम कर सकते हैं। नंबर 1 दोस्तों, विश्वास। जो काम आप कर रहे हैं उस काम के प्रति आपको विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या क्या चीज़ों पर होना चाहिए, कितना होना चाहिए, आइए उस पर बात करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, हम एक कंपनी में काम करते हैं तो हमें कंपनी के प्रति विश्वास होना चाहिए, हमें उस प्रोडक्ट के प्रति विश्वास होना चाहिए, अपलाइन के प्रति विश्वास होना चाहिए, बनाए गए रूल नियम के प्रति हमें विश्वास होना चाहिए। विश्वास जब तक आप नहीं करोगे तब तक आप किसी भी काम को किसी भी फील्ड में एंड तक यानी लास्ट तक नेक्स्ट लेवल तक लेके नहीं जा सकते हो। आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते अगर आप विश्वास नहीं करते। थोड़ा भी अगर आपने डाउट किया, थोड़ा भी डाउट किया, तो आप कभी भी उस फील्ड में उस काम में सफल नहीं हो सकते। जैसे एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत बड़ी समुद्री नाव है, बहुत बड़ी नाव समुद्री है, लेकिन उसमें एक छोटा सा सुराख हो जाए और उस सुराख के जरिए पानी आने लग जाए उस नाव में, क्या लगता है नाव ज़्यादा देर तक उसमें तैर सकती है? बिल्कुल नहीं। वो छोटा सा सुराख उस नाव को डुबा सकता है पानी में, ख़त्म कर सकता है उस पानी में। तो कहने का मतलब, थोड़ा भी डाउट अगर आपको अपने काम को लेकर के है तो आप उस काम को सही से कर नहीं पाएंगे और कहीं ना कहीं बीच में आपको छोड़ना पड़ेगा। तो विश्वास होना चाहिए उस काम को। दूसरी बात पे आते हैं दोस्तों, दूसरा नंबर है एकता। विश्वास के बाद आता है एकता। जो काम आप करते करते एकता में पावर होती है, एकता में दम होती है, हमें एक होकर के चलना होता है। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो। आप लोगों के बीच में रहते हो, लोगों से बातचीत करते हो, लोगों के साथ में चलते हो। नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का बिजनेस है, तो कहने का मतलब यह है कि आपका लोगों के साथ बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों से आपका विश्वास, मेलजोल, बात विचार, आना जाना एक जैसा होना चाहिए, मतलब बहुत गुड, बहुत अच्छा होना चाहिए। लोगों के साथ आपका रिलेशन बहुत मजबूत होना चाहिए, एकता होनी चाहिए आप लोगों में। जो आवाज आप उठा दे उस आवाज पर पूरी टीम खड़े हो जाए, आपके समाज खड़ा हो जाए, आपके लोग खड़ा हो जाए, आपका देश खड़ा हो जाए, ऐसा व्यक्ति आपको बनना पड़ेगा। ऐसी एकता आपके अंदर और आपके टीम के अंदर होनी चाहिए। विश्वास के बाद आता है एकता दोस्तों, उसके बाद आता है नैतिकता। नैतिकता का मतलब होता है कि मेलजोल हमारा इतना मजबूत होना चाहिए, भाईचारा हमारा इतना मजबूत होना चाहिए, एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा हम शामिल हों, एक दूसरे के साथ में हमेशा खड़े हों, और छवि अगर आपकी मजबूत रही, आप पर कोई दाग ना लगे, तो सब लोग आपको सपोर्ट करेंगे, सम्मान करेंगे। नैतिकता आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। विश्वास के बाद आता है एकता, के बाद नैतिकता। व्यसन मुक्ति दोस्तों, ये सबसे खतरनाक चीज है। मैंने कई लोगों को देखा है कि लोग बहुत अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं, कहीं ना कहीं उनका माहौल गलत हो जाता है, आदतें छोटी गलत हो जाती है, उसकी वजह से क्या होता है, उनका नशा होना शुरू हो जाता है, वो नशे करने लग जाते हैं, और नशे करने की वजह से क्या होता है, उनमें कई तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। कई लोगों के बीच में आप बैठे हुए हो, मान लो आप सही समाज में या सही लोग के बीच बैठे हो, आपने सिगरेट जला करके पीना शुरू कर दिया, सिगरेट को आपने जला करके सुरखना शुरू कर दिया, सुट्टा मारना शुरू कर दिया, आपने कहीं जर्दा खाना शुरू कर दिया, पान गुटखा खाना शुरू कर दिया, तो ये अच्छी आदत आप में नहीं है, बुरी आदत, इसको हटा दें, जिसको बोलते हैं व्यसन मुक्ति। आपको नशा से दूर रहना है, नशा नाश करता है, नशा निषेध आपको रहना पड़ेगा। ये क्वालिटी आपके अंदर जरूर होनी चाहिए, और ये सारी क्वालिटी आपके अंदर पहले से नहीं है तो आप सीख सकते हैं, गलत आदतों को आप छोड़ सकते हैं। अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक जिम्मेवारी होनी चाहिए, और जिम्मेवारी व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति को ही सारा काम मिलता है, दुनिया सलाम करती है,
आपको जिम्मेवार व्यक्ति बनना पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेवारी ली जाती है, जिम्मेवारी दी कभी नहीं जाती है। तो आपको अपने टीम के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने सोसाइटी के प्रति जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जिम्मेवारी लेने वाला व्यक्ति ही एक अच्छा लीडर, एक अच्छा वक्ता बनता है। तो जिम्मेवारी ली जाती है, जिम्मेवारी दी नहीं जाती है। आज से जिम्मेवारी लेना सीखो, देना मत सीखो, जिम्मेवार बनो। तो ये भी आपके अंदर गुण होने चाहिए, जिस भी काम को कर रहे हो, जिस फील्ड में हो, जिस सिस्टम में हो, उसमें जिम्मेवारी आपके पास होनी चाहिए, लेना चाहिए। सकारात्मक नजरिया दोस्तों, आप जिस भी काम को करते हैं, जिस भी काम को करते हैं उसके प्रति आपको सकारात्मक नजरिया होना चाहिए। आप सकारात्मक रूप से आप काम करें, थोड़ा भी आपको डाउट ना हो, कोई भी काम हो उसको आप जरूर बोले कि हो जाएगा, ये मैं कर लूंगा, ये मेरे लिए बहुत आसान है, ये मैं कर सकता। अपने टीम को बोलो हो जाएगा, कर सकते हैं, सीख सकते हैं। अपने टीम को हमेशा मोटिवेट रखो, हमेशा बोलो कर सकते हैं। सकारात्मक सोचो, सही सोचो, गलत डाउट थोड़ा भी नहीं आपके मन में आना चाहिए, तो उस काम को आप कर जाओगे। आपके टीम के साथ लोग एकता मजबूत है, आप एक साथ काम करते हैं तो आप उसको कर जाएंगे। सकारात्मक नजरिया आपका होना चाहिए। निरहंकारिता, कोई भी काम को करने के लिए, कोई भी काम आप कर रहे हो तो हमेशा हम ना आए, मैं ना आए कि मैं ही कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है, हम हो रहा है, अहंकार नहीं आना चाहिए। निरहंकारिता आपके अंदर होनी चाहिए। आप किसी भी काम को करो, बड़े लेवल पर चले गए, बड़े पोस्ट पर चले गए, बड़े पिन पर चले गए, बड़ी इनकम पर चले गए, बड़ी गाड़ी पर चले गए, बड़े घर पर चले गए, तो आपको अहंकार नहीं रखना है, अहंकार नहीं रहना, नॉर्मल रहना है, डाउन रहना है, शांत रहना है, मिलजुल के रहना है लोगों के साथ में। हमेशा आपको ऐसा दिखना है ताकि लोग लगे कि हाँ ये तो मेरे जैसा है, ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। थोड़ा भी आपके अंदर घमंड नहीं आना चाहिए, ईगो नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए जिस भी काम को कर रहे हो, क्योंकि जहां आज हो आपको बहुत ऊपर तक, बहुत आगे तक जाना है। तो अहंकार को अपने अंदर आने मत देना, वो कई बार आएगा। जब पैसा आपके पास आता है तो अहंकार भी आता है, क्रोध भी आता है, ईर्ष्या भी आता है, डाउट भी आता है, कई तरह की समस्याएं आपको घेर लेती हैं, उनसे आपको बचना होगा। जब पैसे आता है तो कई चीजों को लेकर के आता है अपने साथ में, तो पैसे के साथ साथ उन चीजों को अपने अंदर ना आने दें, जिससे आपका पैसा आया हुआ बाहर चला जाए, फिर से मार्केट में चला जाए या फिर से खत्म हो जाए। अहंकार किसी को चीज, किसी भी चीज को लेकर के नहीं करना। जब आपके अंदर अहंकार आने लग जाएगा, ईगो आने लग जाएगा, घमंड होने लग जाएगा, तो यूं समझ जाओ आपके विनाश का दिन शुरू हो जा रहा है। तो आप अपने अंदर अहंकार ना रखें, निरअहंकारिता सकारात्मक नजरिया के साथ अपने काम को करें, एकता के साथ काम को करें, जिम्मेवारी लेने का आप प्रयास करें, आप लगातार प्रयास करें, आप सकारात्मक रहें और लोगों को बताएं, आप व्यसन मुक्त रहें, किसी तरह का कोई नशा निषेध आप ना करें और जिम्मेवार बन करके आप काम करें, विश्वास के साथ आप करें काम करें, डाउट ना होना चाहिए। तो ये आज की जो बातें रही, ये जो 7 पॉइंट मैंने बताया है, ये 7 पॉइंट आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। इन 7 में से कौन सी कमी आपके अंदर अभी तक थी और आज से वो कमी को आप दूर कर रहे हो, वो आदतों को छोड़ने जा रहे हो जिससे आपका नुकसान है, वो भी कमेंट करके आप बता सकते हैं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर कीजिए। देखिए, आप अच्छे हो गए, आप सही हो गए, आपने इन 7 रूल को देख लिया, पढ़ लिया, सुन लिया, आपने अंदर इस 7 रूल को उतार लिया, लेकिन ये 7 रूल अगर आपकी टीम में नहीं गया, ये 7 तरह का पॉइंट आपकी टीम में नहीं डुप्लीकेट हुआ, आपकी टीम ने इस 7 पॉइंट को अप्लाई नहीं किया, तो टीम वो बेहतरीन टीम नहीं बन पाएगी जो आप सिर्फ अकेले बनेंगे। तो हमें अकेले नहीं, अपने पूरे टीम को, पूरे समाज को, पूरे देश को अच्छा बनाना है, इसलिए इस वीडियो को, इस 7 पॉइंट को अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों को, अपने समाज में शेयर करना है। आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पर कर सकते हैं, जहां जहां जगह मिले शेयर करने का शेयर कर दो। सबको बताओ कि ये 7 पॉइंट आपके अंदर होने चाहिए, नहीं है तो करो, सुधार करो, जो नहीं है उसको डेवलप करो। बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए प्रमोद मौर्य आपसे इजाजत चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।